रीवा में लगातार हिंदू संगठनों द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आरएसएस और हिंदू संगठन से जुड़े लोग घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर राम मंदिर निर्माण की जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान को व्यापक तौर पर जन समर्थन भी मिल रहा है। रीवा के ढेका में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान लोगों के घर घर जाकर मुलाकात की जा रही है। इस अभियान में बुजुर्ग, युवा और बच्चे सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान में कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत सारी जानकारी दी। इस अभियान के संयोजक आरवी पाठक और नितिन पांडे ने बताया कि यह अभियान पूरे क्षेत्र में चलाया जा रहा है। अभियान में राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। गौरतलब है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए आरएसएस और उसके वैचारिक परिवार संगठन मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चला रहे हैं। इसको लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महाअभियान में मंदिर निर्माण के लिए निधि का सहयोग मांगा जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।